SBI फार्मासिस्ट रिजल्ट के ऊपर काफ़ी टाइम से कन्फ्यूज़न बनी हुई है कि कब आएगा, क्योंकि SBI क्लर्क प्री का रिजल्ट आने के बाद मेंस का एग्ज़ाम भी एकदम से हो गया है, एक दिन का बाकी है। तो प्रोसेसिंग सही हो रही है, तो SBI फार्मासिस्ट, क्योंकि SBI के ही अंडर की बात है, तो इसका भी रिज़ल्ट अब बहुत जल्दी आएगा। तो हम बात करते हैं इसमें कि SBI को जब मेल किया मैंने, तो मुझे मेल का रिप्लाई मिला या नहीं मिला, कहाँ पर मेल करना है, फ़ोन कॉल कहाँ पर करनी है, कॉल मैंने की तो क्या रिस्पांस मिला या नहीं मिला, तो यही सब जानेंगे। और उसके बाद कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या होगा, इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं एक एक करके। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेल के ही बारे में। सबसे पहले मैं आपको यही दिखाऊंगा कि मैंने मेल कहाँ किया था, कहाँ करना है मेल। देखिए, सबसे पहले मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके SBI की, और देख सकते हैं आप यहाँ पर लिखा हुआ है SBI कॉन्टैक्ट सेंटर, contactcenter@sbi.co.in, इस पर मैंने मेल किया और मैंने SBI फार्मासिस्ट के बारे में पूछा रिजल्ट के बारे में। तो मुझे यहाँ से रिप्लाई क्या मिला है, तो आप वो देखिए। मुझे यहाँ रिप्लाई मिला है, थैंक यू फॉर राइटिंग टू अस एट स्टेट बैंक कॉन्टैक्ट सेंटर। बताया गया कि यहाँ आपको कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी, अगर आपको रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट करिए। तो सेंट्रल रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन डिपार्टमेंट, ये आपका देखिए टेलीफोन नंबर यहाँ पर दिया है, फैक्स नंबर दिया है और ईमेल आईडी दी है जहाँ पर आपको पता करना है, crpd@sbi.co.in, ये मुझे दिया गया। तो जब मैंने इस ईमेल एड्रेस पर मेल किया है, उसके बाद जो crpd@sbi.co.in है, तो इस पर मैंने मेल किया। देखिए, तो इस पर रिप्लाई आया नहीं आया वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, ये मैं आपको लेके गया हूँ, मेल किया था, देखिए मैंने किया है crpd@sbi.co.in, इस पर मैंने मेल किया और मैंने पूछा कि एक महीना होने को है और अभी तक आपकी तरफ से फार्मासिस्ट क्लर्क के रिज़ल्ट के बारे में भी कोई अपडेट नहीं आई है, डिले क्यों हो रहा है और कब तक आएगा या कितना और टाइम है, क्या प्रोसीजर है, तो इस बारे में कुछ नोटिस डालें वेबसाइट पर जिससे बच्चों को पता लगे। तो आपको बता दूं, मैं अभी तक, वैसे तो ऐसा होता है कोई अथॉरिटी 24 घंटे में रिप्लाई करती है, क्योंकि ऐसा बहुत टाइम से मैं देखता आ रहा हूँ ऐसा होता है, लेकिन इन्होंने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं किया है। अप्रॉक्स 35-36 आवर हो चुके हैं मुझे, तो मेल का कोई रिप्लाई नहीं आया है। उसके बाद बात करते हैं कॉल की। तो मैंने कॉल भी किया लेकिन कॉल भी अटेंड नहीं हुई है। उसके बाद मैं फिर बराबर कॉल भी करूँगा। मैंने जो यहाँ पर आपको टेलीफोन नंबर दिखाया है, ये यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करते रहिए, अगर किसी का कॉल लगता है, क्योंकि देखिए मेरा रिज़ल्ट नहीं आना है, रिज़ल्ट आपका आना है, तो आप कोशिश करते रहिए। मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मेल कर चुका हूँ, कॉल भी करता रहूँगा। किसी की अगर कॉल उठती है तो मुझे इस वीडियो में बताएं कि क्या रिस्पॉन्स मिला है कॉल पर, क्योंकि मुझे भी नहीं पता ये नंबर जो दिया गया है ये कौन उठाएगा और जानकारी मिलेगी यहाँ से या नहीं मिलेगी, क्योंकि ये ऑफिशियल ही वेबसाइट से मुझे रिप्लाई में दिया गया है नंबर और मेल। उम्मीद है ये कि जो डिटेल हमें चाहिए वो मिल सकती है यहाँ से, तो कोशिश कर रहा हूँ मैं, आप भी करिए कोशिश। तो मैंने जैसा कि आपको दिखाई दिया है मेल के बारे में, अगर किसी को फर्दर डिटेल चाहिए तो ये यहाँ पर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने लिख रखा है यहाँ पर। मैं अगर आपको सीधा यही दिखाता स्क्रीनशॉट कि मैंने ये मेल किया है और आपको डिटेल ये दे रखी है, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करिए, तो आप ये कहते कि नहीं ये फेक है, इसलिए मैंने ओरिजिनल अपना मेल आईडी पे दिखाया है मैंने क्या क्या किया है, क्योंकि भरोसा सबसे बड़ी चीज़ होती है। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो मेल और फ़ोन की बात हो गई, जहाँ से कोई रिस्पॉन्स अभी तक नहीं मिला है मुझे, 30-35 घंटे हो गए हैं। कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। आपको पता है कि आपके क्वेश्चन टोटल 150 आए थे, पैटर्न बता रहा हूँ, 150 क्वेश्चन आए थे, 200 नंबर थे आपके मैक्सिमम मार्क्स। देखिए, बहुत से चैनल ने ये बता रखा है कि आपके 165 प्लस कट ऑफ जाएगी जनरल की, तो ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सी बच्चों से पूछा और मुझे भी पोल में पता लगा है, डेटा मुझे ये मिला है कि सर इतने तो अटेम्प्ट भी बहुत रेयरली बच्चों ने किए हैं 165 के आसपास, तो इतना कट ऑफ जाने की उम्मीद ना के बराबर है। बाद में मैंने जब पोल कराया है, उसके बाद काफ़ी बच्चों से पूछने के बाद डेटा जो मैंने कलेक्ट किया है, जो एनालिसिस किया है, उसके हिसाब से देखिए UR यानी जनरल की कट ऑफ आपकी, अगर आपके 148 के प्लस मार्क्स हो रहे हैं तो आप UR यानी जनरल में सेफ़ हैं। उसके बाद OBC की बात करते हैं अगर, तो आपके अगर 144
के आसपास मार्क्स हैं तो आप ओबीसी में सेफ हैं। उसके बाद बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो आपके 142 के आसपास अगर मार्क्स हैं तो आप सेफ हैं। ये देखिए आपको ध्यान रखना है, कोई भी एग्ज़ाम हो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस अप्रॉक्स आगे पीछे ही रहते हैं एक दो नंबर से। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एससी की, तो अगर आपके 139 के आसपास मार्क्स हैं तो आप सेफ हैं, ये सेफ जोन है आपका, तो आपको परेशान नहीं होना है, ये आपका सेफ जोन है, यही आपका कट ऑफ रहने वाला है। पीछे तो होना मुश्किल है, एक दो नंबर आगे ही हो सकता है, तो आपको परेशान नहीं होना है। अब बात कर लेते हैं हम रिज़ल्ट डेट के बारे में। देखिए एसबीआई क्लर्क ने किस तरीके से पैटर्न फॉलो किया था कि आपको रिज़ल्ट में क्या क्या दिया था। सबसे पहले आपका स्कोर कार्ड, आपके कितने स्कोर बने हैं, उसके बाद कट ऑफ बताया जाएगा कितना कट ऑफ रहा है, जो कि आपके स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद रिमार्क दिया जाएगा कि आप क्वालिफाई हुए हैं या आप फेल हुए हैं। ये तो हो गई आपके इंटरफेस की बात, जो रिज़ल्ट में आपको इस तरीके से मिल सकता है, क्योंकि ये पैटर्न फॉलो किया गया था एसबीआई क्लर्क के द्वारा, तो एसबीआई के अंदर आता है फार्मासिस्ट, तो हो सकता है वो भी यही फॉलो करें। उसके बाद बात कर लेते हैं अगर डेट की, तो देखिए डेट में आपको मैंने पहले भी एक बार बताई थी, मैंने बताई थी 10 अक्टूबर के आसपास ही बताई थी मैंने, तो 10 अक्टूबर को तो मैं आज वीडियो ही बना रहा हूँ, अभी तक तो नहीं आया जब तक मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, और जिस तरीके से मुझे कोई रिस्पांस भी नहीं मिला है मेल और कॉल का, 30 या 35 घंटे का जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला है, तो इस हिसाब से यही हो सकता है कि आपका रिज़ल्ट अब 15 अक्टूबर से पहले ना आ पाए, तो वेट करते हैं 15 अक्टूबर तक का, उसके बाद फिर और कुछ ट्राई करेंगे, ऐसा नहीं ऑप्शन नहीं है, क्योंकि देरी कर रहे हैं इतने तो बच्चे भी नहीं थे जितनी ये देरी कर रहे हैं, एक महीना बहुत होता है रिज़ल्ट के लिए, तो 15 अक्टूबर एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप डेट रिज़ल्ट की, बाकी देखते हैं क्या होगा। इसके अलावा अगर आप आईबीपीएस की क्लर्क की जो वैकेंसी आई है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसबीआई पीओ के लिए कर रहे हैं, बाकी और कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग इंग्लिश ग्रामर इसकी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हुए हैं, आप ज़रूर से ज़रूर देखें, बेस्ट शॉर्ट ट्रिक और मेथड के साथ, यूनिक मेथड के साथ पढ़ाया गया है, और आगे वीडियो भी रेगुलर आती हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स, अपना ख्याल रखें, फैमिली का ख्याल रखें और सपोर्ट करें। बाय।